अभी मास्टर्स कंप्लीट किया है मैंने सोशल वर्क में, और उसके बाद मैंने पीएचडी का एंट्रेंस दिया है जिसमें मेरा रिजल्ट अवेटेड है, और साइड बाय साइड मैं नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ, और इसके साथ मैं दिल्ली स्टेट एड कंट्रोल सोसाइटी का एक प्रोजेक्ट देख रही हूँ जो एचआईवी एंड एड्स पर है, इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स के साथ। जी, तो आप इस तरीके के जो आप ये पीएचडी भी कर रही हैं, और ये आपको कहाँ से प्रेरणा मिली कि आपको पीएचडी करनी है? क्योंकि आजकल पहले देखा जाता था कि महिलाओं को घर में ही रहना है, घर से बाहर नहीं निकलना है, चार दीवारी के अंदर रहना, अगर चार दीवारी से बाहर निकलेगी तो लड़की बिगड़ जाएगी। सर देखिए, बार बार ये सुन करके आप कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ घर के लिए बने हैं, तो यही एक प्रेरणा बन जाती है अपने आप में कि अब तो कुछ करके दिखाना है। जी, और उसके बाद कुछ होता है कि बस खाना जो है वो तो लाइफ टाइम करना है, अपने लिए भी करना है, हो सकता है घर की रिक्वायरमेंट हो तब भी करना हो, लेकिन स्टडी करने का मौका एक ही बार मिलता है। तो मुझे लगता है कि मैंने उस मौके का पूरी तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश की है, तो मैं यहाँ तक आ पाई हूँ। मेरे घर में मैं पहली लड़की हूँ जो इतनी जिसने 12th भी क्लियर की है, तो मैं तो मास्टर्स तक आ गई, तो ये चीज़ है। तो किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? समटाइम्स ये होता है, कभी कभी ये सुनना पड़ता है कि मैं सिर्फ खुद पढ़ती हूँ और सिर्फ पढ़े जा रही हूँ, आगे कुछ सोच नहीं रही हूँ, अब शादी कर लेनी चाहिए, और ये सब मतलब मम्मी के जो सिस्टर्स वगैरह हैं बड़े लोग हैं वो कहते हैं अब तो बहुत टाइम हो गया, अब शादी कर दो उसकी, और क्या कहते हैं कितना पढ़ेगी, बस हो तो गया, मास्टर्स हो गया, कंप्लीट कर दो। तो मम्मी कहती है कि जितना उसका मन है वो तब तक पढ़ेगी, हमने पढ़ के क्या कर लिया जो वो अब उसकी शादी कर दे। तो इस तरीके से ये एक प्रेरणा बन जाती है, मेरी मदर ही मेरी प्रेरणा बन जाती है कि मुझे आगे कुछ करना है। क्योंकि घर परिवार वाले ही परिवार पर दबाव देते हैं कि भाई इतनी बड़ी लड़की हो रही है तुम इसका शादी नहीं कर रहे। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये एक टॉर्चर किया जाता है और बहुत बुरी तरह टॉर्चर किया जाता है। बिल्कुल, समाज को बिल्कुल बिल्कुल होता है ऐसा कि हमें बार बार मतलब जब भी फैमिली फंक्शन होते हैं तो सब ऐसे पूछते हैं जैसे अब शादी ही मेन चीज़ रह गई हो। तो मेरा मानना है ये शादी करेंगे लेकिन पहले जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो कर ले, वो शादी एक आखिरी पड़ाव है, उसके बाद हम अपनी फैमिली संभालेंगे। लेकिन जब तक हम जो कर सकते हैं कुछ अपने समाज के लिए, बाबा साहब का जो सिद्धांत कहता है कि हमें पे बैक टू सोसाइटी होना चाहिए, तो वो पे बैक टू सोसाइटी हम देना चाहते हैं, और इसलिए मैं उसी कड़ी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। रजनी जी, मैंने देखा गया है कि जब पहली बार तो बच्ची जन्म देने में बहुत कठिनाइयाँ होती हैं, अगर बच्ची पैदा हो भी जाती है, मैंने आज तक के वो देखा है कि वो कभी स्वतंत्र नहीं रही है। जब लड़की कुछ बड़ी होगी तो माँ बाप के थोड़े दबाव में रहेगी, और थोड़ी सी बड़ी होगी कि भाई के दबाव में रहेगी कि कोई मेरी बहन के साथ में इस तरीके कोई छेड़छाड़ ना हो, और बड़ी होगी तो फिर देखा जाएगा कि इसका शादी कर दो तो हस्बैंड के दबाव में रहेगी, और थोड़ा सा बड़ी होगी तो फिर देखा जाएगा कि बच्चे पैदा हो गए तो बच्चों के दबाव में रहेगी, चाहे लड़के हैं चाहे बेटे हैं। तो एक महिला का स्वतंत्र रहने का वो कौन सा समय है? स्वतंत्र रहने का समय रिसर्च करनी पड़ेगी। बिल्कुल, रिसर्च करने का लग रहा है मुझे विषय, मैंने इस बारे में सोचा नहीं, क्योंकि हर वक्त देखना एक कोई ना कोई बाउंडेशन लगी ही रहती है हर वक्त, खासतौर महिलाओं के साथ। एग्जैक्टली, लगी ही रहती है। मतलब अगर मैं आज की बात करूँ, बेशक मेरे भाई छोटे हैं दोनों, वो मुझसे 6 साल छोटे हैं, लेकिन कभी कभी पूछे थे इतनी लेट हो गई कहाँ थी, मतलब दे लाइक मैं बड़ी हूँ, मैं उनसे अच्छा कर पा रही हूँ, लेकिन स्टिल मुझे उन्हें आंसर करना भी पड़ता है। इतना ज़्यादा आंसर नहीं होता क्योंकि मैंने उस तरीके की मेंटेन किया हुआ है अपने आप को कि मतलब वो मुझसे इस तरीके के क्वेश्चन नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन एक कंसर्न के तौर पर पूछ लेते हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं लगता है कि यार पूछना क्यों पूछ रहे हैं इस तरीके से। तो ये मुझे लगता है ये चिंता का एक विषय है कि कब हम स्वतंत्र होंगे, कितना पढ़ लेंगे। हाँ, एक महिला कब स्वतंत्र होगी? जी वही, मतलब एक महिला कब स्वतंत्र होगी, मुझे लग रहा है इस चीज़ पर सोचने की ज़रूरत है।